हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जलवायु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने जलवायु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे थे और उससे पहले हमने जलवायु को विस्तृत में पढ़ा था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने किसे किस महासागर से आती है। तो ये है इंडिया, इंडिया का दक्षिणी भाग और यहाँ पर है हिंद महासागर। यहाँ पर बनता है गर्मियों में, ग्रीष्मकाल में क्या बनता है, लो प्रेशर, और इधर बनता है दक्षिण की तरफ हाई प्रेशर। तो जब भी पवने चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, और जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवने चलेगी तो किस महासागर के ऊपर से आर्द्रता ग्रहण करेगी, वो पवने हिंद महासागर के ऊपर से। तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने किस महासागर से होती आती है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक या फिर हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। स्थान पूछा गया है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा राजस्थान में कहां पर होती है, माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थान पूछा गया इसलिए माउंट आबू हुआ है। जिला अगर पूछा जाता तो जिला कौन सा होता हमारा, झालावाड़। कौन सा जिला, झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, सर्वाधिक विषमता किस जिले में पाई जाती है। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी सिरोही और डी है बांसवाड़ा। तो किस जिले में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, किसमें, वार्षिक वर्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर यानी कि दिन बहुत ज्यादा गर्म और रातें एकदम से जल्दी ठंडी हो जाती है, वो जिला कौन सा है, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू या फिर जोधपुर। तो ये भी क्या होगा आंसर, जैसलमेर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, किस जिले में वायुदाब न्यूनतम संभावित है। ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, बी है राजसमंद, सी है जोधपुर और डी है जैसलमेर। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डी जैसलमेर राइट आंसर, न्यूनतम वायुदाब वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है राजस्थान का, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो इसमें भी सी जैसलमेर राइट आंसर होगा। और इसमें भी सबसे शुष्कतम स्थान पूछे तो कौन सा होगा, समगांव, समगांव जैसलमेर में ही है और ये बिल्कुल वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, 57 से 58, 58 से 62, 48 से 52 या फिर 63 से 67। तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, वार्षिक वर्षा का औसत क्या है राजस्थान में। तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58 के बीच, यानी कि एग्जैक्टली हम देखें तो कितना है, 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है कौन सी है, सम वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, जो कि 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 50 या फिर 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में ये अरावली और अरावली के ही समानांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिमी भाग तो है पूरा तरह से मरुस्थल, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, और इसका जो पूर्वी भाग है 50 सेंटीमीटर के, अरावली के पूर्वी भाग जो है वो पूरा हरा भरा है, मैदानी भाग है, पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो दो भागों में बांट रही है इस तरह से राजस्थान को, कौन सी वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी सम वर्षा रेखा बनाती है, 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 75 सेंटीमीटर। तो पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा में, पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा में सम वर्षा रेखा कौन सी, 40 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से देखना है कि हमें सर्वाधिक वर्षा के दिन कौन से जिलों में है, जयपुर, दौसा, भरतपुर, बी है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सी है टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली और डी है झालावाड़, कोटा और बारा। तो किस जिले में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, जो कि अरावली क्षेत्र में, जैसे ही यहाँ पर ये अरावली राजस्थान में, यहाँ पर अरावली और अरावली के यहाँ पर सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले हैं। जैसे ही यहाँ पर अरब सागर वाला मानसून आएगा तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर करेगा,
तो सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती रहेगी कहां पर? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? अजमेर, सीकर, जोधपुर या फिर बीकानेर। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में अधिक होती है, अधिकतम वर्षा किस जिले में होती है? अजमेर, सीकर, जोधपुर और बीकानेर। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें झालावाड़ ने देकर अन्य ऑप्शन में दिया है। अगर यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन में होता तो नो डाउट झालावाड़ ही राइट आंसर होता, लेकिन अब हमें इन चार में से देखना है कि सर्वाधिक वर्षा किसमें हो रही है। तो जोधपुर, बीकानेर तो शुष्क मैदानी शुष्क मरुस्थली क्षेत्र में आएगा, यानी कि ये मरुस्थल का भाग आ जाएगा। यहाँ पर सीकर जो है वो शेखावटी क्षेत्र में आता है, शेखावटी क्षेत्र का जिला है। और यहाँ पर अजमेर जो है, जब हम मैप में देखेंगे, ये है राजस्थान और राजस्थान में यहाँ पर अरावली और अरावली के ही यहाँ पर अजमेर है। तो अजमेर अरावली की तलहटी में ही है, तो अरावली में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा होगा इन चारों में से, इन चारों की तुलना में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हो रही है? अजमेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है गंगानगर, सी है जैसलमेर और डी है बाड़मेर। तो सर्वाधिक वर्षा आंधियां कहां पर होती है? तो सर्वाधिक आंधियां राजस्थान में गंगानगर, श्री गंगानगर जो जिला है वहां पर सर्वाधिक आंधियां होती है राजस्थान में। स्थानीय भाषा में आंधियों को क्या कहा जाता है? बबूलिया, बबूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू शब्द से तात्पर्य है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, बी है जेवराती युक्त हवाएं, सी है धूल भरी शुष्क हवाएं और डी है संपाती से बनने वाली हवाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धूल भरी शुष्क हवाओं को कहा जाता है लू, जो कि ग्रीष्मकाल में चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही अभिव्यक्त करता है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? यह असंबंधित है, बी है यह धनात्मक रूप से संबंधित है, सी है यह सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है और डी ऑप्शन है यह प्रतिलोम रूप से संबंधित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रतिलोम रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान अलिखित किया जाने वाला भाग कौन सा है? ए ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी भाग, बी है दक्षिणी भाग, सी है दक्षिणी पूर्वी भाग और डी है त्रिपुर भाग। कौन सा भाग है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी भाग न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान अलिखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु है, यानी कि महीना कौन से महीने में राजस्थान में से मानसून लौटता है? जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, जून या फिर जनवरी, फरवरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अधिकतर यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर न देकर अक्टूबर नवंबर होता है, क्योंकि राजस्थान में लौटते हुए मानसून का जो महीना है वो कौन सा है? अक्टूबर नवंबर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान के आकस्मिक में गिरावट होती है जिसका कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान आकस्मिक रूप से जो गिर जाता है उसका मुख्य रूप से कारण क्या होगा? तो उसका मुख्य रूप से कारण होगा वायु में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में वर्षा दक्षिण से दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर व उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। बी ऑप्शन है मानसून की अरब सागरी शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। सी ऑप्शन है राजस्थान का 50% भाग शुष्क अर्धशुष्क जलवायु का है और डी ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में के विकसित काल में वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो गलत होगा वो कथन कौन सा है? डी बिल्कुल गलत कथन है। बाकी के जो कथन है, जैसे कि ये हमारा राजस्थान और राजस्थान के, यहाँ पर पहले कथन में क्या कहा गया? दक्षिण और दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व से वर्षा होती हुई कहाँ पर कम होती हुई जाती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम में बिल्कुल कम होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सही है ये कथन। अरब सागर, मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। अरब सागर से एकदम से वर्षा यहाँ पर अटैक करती है अरावली में और अरावली से होती हुई राजस्थान में एंटर होती है और इधर से जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है वो धीरे धीरे रुकता हुआ आता है, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा होता है भारत का उसमें वर्षा करता करता अंत में आता है राजस्थान में, इसलिए वो इतना मुख्य रूप से नहीं है जितना अरावली अरब सागर वाला मानसून है। राजस्थान का 50% बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राजस्थान का जो यहाँ पर अरावली अरावली का जो पश्चिमी भाग है ये पूरा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला है, तो 50% भाग तो किसमें आता है? राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला।
तो गलत कौन सा हो गया? डी बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। केवल वर्षा को किसने माना है? कोपेन के वर्गीकरण में तो हमें पता है कि वनस्पति को माना है कोपेन ने। थॉर्नबेट ने किसको माना है? तापमान और वर्षा दोनों को, तापमान और वर्षा दोनों को माना है। और जो टीवार्था है उसने केवल वर्षा को ही जलवायु वर्गीकरण का मुख्य रूप से आधार माना है। तो डी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, टीवार्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? ये हमारा राजस्थान, राजस्थान में इस क्षेत्र में पाया जाएगा BWHW और राजस्थान के इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाया जाएगा AW, इस क्षेत्र में पाया जाएगा CWG और बाकी के ये जो बीच का क्षेत्र है उसमें पाया जाएगा BSHW। तो राजस्थान का जो चूरू जिला है, यहाँ चूरू आएगा और चूरू किस में आ रहा है? BWHW में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु है? BSHW प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा होगा? S का मतलब होता है, S का मतलब क्या होता है? स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी जलवायु वाला जो क्षेत्र होगा, स्टेपी वनस्पति जहां पर पाई जाएगी वहां पर वो क्षेत्र क्या होगा? BSHW वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है गंगानगर, जालौर, डूंगरपुर और बीकानेर। जब हम मैप में ये देखेंगे तो मैप में हमको गंगानगर और बीकानेर तो किसमें आएगा? BWHW वाले में। यहाँ पर है झालोर और ये जो पूरा एरिया है ये आएगा AW में और ये आएगा CWG में। ये गंगा तुल्य मैदान यानी कि मैदानी भाग आ जाएगा। AW यहाँ पर आता है डूंगरपुर, तो डूंगरपुर किसमें आ रहा है? AW में। और यहाँ पर BWHW में कौन कौन सा आ रहा था? गंगानगर और बीकानेर। बचा कौन सा? झालोर। और झालोर यहाँ पर किसमें आ रहा है? BSHW में। क्वेश्चन में पूछा गया BSHW वाली जलवायु वाला जिला, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि करता है? बांसवाड़ा शहर में कौन सी प्रकार की जलवायु होगी? अभी हमने मैप में देखा था डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी जलवायु? AW जलवायु। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का कौन सा भूभाग है? CWG प्रदेश के अंतर्गत कौन सा राजस्थान का कौन सा भाग आएगा? अरावली का उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये किसमें आएगा? मुख्य मरुस्थली वाले क्षेत्र में आएगा, यानी कि मरुस्थली क्षेत्र में कौन सी जलवायु? कोपेन के अनुसार BWHW और BSHW। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें आएगा BSHW और BWHW। फिर है अरावली का पश्चिमी भाग, ये भी उसी में आएगा BWHW वाले में। अरावली का पूर्वी भाग, अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग और पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्व और पूर्वी भाग यानी कि बनास का मैदान, चंबल का मैदान, बाणगंगा का मैदान, ये सारे मैदानी भाग होंगे, यानी कि CWG। जी का मतलब ही होता है गंगा तुल्य मैदानी भाग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। CWG में राजस्थान का कौन सा भूभाग आता है? तो अरावली का जो दक्षिण पूर्व और पूर्वी भाग है वो आता है CWG में। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की जलवायु वाले टॉपिक के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।